हेलो दोस्तों, जायका वित्तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉफ़ी वॉलनट आइसक्रीम। कॉफ़ी की आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम कॉफ़ी की आइसक्रीम जो बाज़ार में लेके खाते हैं तो बहुत कॉस्टली होती है। अगर आप घर में बहुत ही कम सामान से और बहुत इजी तरीके से बना लो बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, तो फिर क्या कहना। तो आज मैं आपके लिए वही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम 1 कप दूध लेंगे और उसमें 1/4 कप मैंने चीनी डाली है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। इसे भी मैंने गैस पे नीचे रखे, पहले मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि कॉर्नफ्लोर का या किसी का कोई लम्स इसमें ना रह जाए। अगर कॉर्नफ्लोर की थोड़ी सी भी गांठ रह गई तो वो पकने के बाद जाती नहीं है, इसलिए हमें पहले गैस पे, हमें बाद में रखेंगे, पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसको गैस पे रखेंगे। गैस पे जैसे ही बॉयल आएगा, एक बॉयल आने के बाद ही 2-3 मिनट में ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा होगा हम इसकी गैस को बंद कर देंगे, लेकिन हम साथ में इसको चलाते रहेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसे गैस से नीचे उतार देंगे और इसको पूरा अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हमें इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना है, ऐसे ही बाहर रख के ठंडा करना और बीच बीच में उसको चलाते भी रहना है, जिससे कि इसमें कोई ऊपर मोटी परत ना आए। अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसको ठंडा होने रख दिया है। अब इधर मैंने 2 चम्मच गुनगुना पानी लिया है और उसी में ही 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाला है और इसको मिक्स करके मैं अलग रख लूँगी। कॉफ़ी की आइसक्रीम बना रहे हैं तो कॉफ़ी को तो की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही। अब मैंने एक बाउल को फ्रिज में 1/2 से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये बहुत अच्छे से बाउल ठंडा हो गया है। ये मदर डेरी की मैंने एक क्रीम ली है, 1 कप मैं क्रीम ले रही हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। ये मुझे तब तक फेंटना है कि ये जब तक गाढ़ी हो जाएगी, और मैं इसे तेज पे कर रही हूँ। और अगर गर्मी बहुत है तो आप इसके नीचे एक बाउल में खूब सारी बर्फ़ रख के इसके ऊपर ये क्रीम वाला बाउल रख के भी इसको फेंट सकते हैं। इसको ऐसे करने से आपकी क्रीम जल्दी फेंट जाएगी। और अगर गर्मी नहीं है तो बाउल को सिर्फ फ्रीज़र में रख के आप ठंडा कर लीजिए और इसे तेज स्पीड पे ही व्हिप करिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो हाथ वाले से भी आप तेज तेज करेंगे तो उससे भी ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये हमने जो दूध और उसका कॉर्नफ्लोर का बनाया था वो हमने ठंडा हो गया, अब इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको चला रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। ठंडा होने के बाद ही हमें इसको डालना है। अब ये 1/4 कप मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ, ये घर का ही मिल्क मेड है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं मिल्क मेड घर का ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने घर का मिल्क मेड इसमें डालने के बाद अब हम इसमें जो हमने कॉफ़ी घोल के रखी थी वो डाल देंगे हम इसके अंदर। अब इसमें कॉफ़ी के साथ साथ अगर हम कोको पाउडर डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल दिया है। कॉफ़ी और कोको पाउडर का जब दोनों का टेस्ट मिलता है तो बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक ऑप्शनल भी है, अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने थोड़े से वॉलनट को हाथ से तोड़ के रख लिया था, या आप चाकू से काट के रख लीजिए। और ये चॉकलेट चिप्स हैं, ये भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। वॉलनट और इनकी चॉकलेट चिप्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, हमें जिसमें इसको जमाना है वो जो हमारा होना चाहिए कंटेनर, वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होने से ये हो जाता है कि जो बर्फ़ के क्रिस्टल हैं वो इसमें नहीं जमते हैं। अब ये सारा हम इसमें से हटा के इसी कंटेनर में डाल देंगे और इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए या पूरी रात इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। और जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो हाई पे कर देंगे, क्योंकि इस समय गर्मी भी ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा जमने में टाइम लगता है। तो आप इस चीज़ का थोड़ी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बिल्कुल आइसक्रीम बाजार जैसी बनेगी। अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर भी थोड़े से वॉलनट और थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स इसमें डाल दूंगी।
ये देखने में भी अच्छे लगेगा बाद में, और जब हम खाएंगे तो मुंह में क्रंचीनेस भी आएगी। ये सब दे मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें बंद करके इसको मैं 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। अभी देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब 7 से 8 घंटे के बाद ये आइसक्रीम जम के बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बन के तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप किसी भी चीज़ में इसको सर्व कर सकते हैं, बाउल में, ट्रे में, जिसमें आपको ठीक लगता है। तो बिल्कुल बाजार जैसी कॉफ़ी वॉलनट आइसक्रीम आप अपने घर में बनाइए और एक बार सबको ज़रूर खिलाइए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि सब लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।